वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का डिस्कशन बनाने में मजा आ गया, इतना ही मजा पढ़ाने में लेने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो नहीं कहते कि आत्मा तृप्त हो जाएगी अगर वीडियो को एंड तक देखोगे। इतना शानदार डिस्कशन रहने वाला है, बहुत कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है और बहुत सारी डिटेल के साथ में रिवीजन भी कराऊंगा बहुत सारे टॉपिक्स का। तो जो भी अभी आप लोगों के पास में एग्जाम आ रहे हैं उसमें भी आप लोगों का मन लग जाएगा बिल्कुल कि यार ऐसे होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि शानदार डिस्कशन रहेगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा वीडियो को बिल्कुल एंड तक। बात बोली गई यहां पर, सबसे पहले बोला अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बात पर नहीं। लोग आप लोगों को अलग अलग बातें बनाते हुए नजर आएंगे, हमेशा आप लोगों का फोकस जो है वो खराब करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए कभी भी जिंदगी में लगता है कोई फालतू का इंसान जिंदगी में आ रहा है, आप लोगों का फोकस बर्बाद कर रहा है, तो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ओनली दो चीज को देनी है अगर रियलिटी में चाहते हैं आप लोग लाइफ में सक्सेस होना। पहला है टाइम, टाइम बिल्कुल भी बेकार नहीं करना है, और दूसरा है फोकस। अगर कोई भी इंसान आप लोग की जिंदगी में आप लोगों का फोकस इधर उधर करता है, उसको तुरंत अपनी लाइफ में से कट डाउन कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो फिर उसी पैटर्न में चलती रहेगी जिंदगी जैसे पैटर्न में चल रही है। तो रियलिटी में अगर चाहते हैं जिंदगी संवारनी तो फोकस पर और अपने टाइम पर फोकस कीजिए, बस दो ही चीजें आप लोगों को सही काम पर पहुंचा देगी। तो इसके लिए आप लोगों को यही काम करना है कि फालतू के लोगों को दुनिया में से हटाइए अपनी, और बाकी अपने काम पर फोकस कीजिए और ना ही उनकी बात को दिल पर लगाइए। लेक्चर सुनने के बाद में लगे यार इस लेक्चर की पीडीएफ होनी चाहिए, काफी शानदार लेक्चर है, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ में वो भी काफी कुछ यहां पर चीजें शेयर की जाती हैं, तो जाकर आप लोग देखेगा। और जिसको आंसर राइटिंग करनी है तो यहां पर जाकर क्लिक करना, आंसर राइटिंग ग्रुप में पहुंच जाएगा, तो यहां से आप लोग जाकर इसको देखना, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो शानदार तरीके से एक दूसरे का आंसर भी रिविजन कर रहे हैं, तो इसको जाकर आप लोग देखना, काफी कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिलेगा। एक दूसरे का आंसर जरूर रिव्यू किया कीजिए, जो खासकर अब की बार की तैयारी नहीं कर रहे हैं आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर मैं बोल रहा हूं, और जो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो पूरा, उन्हें कहते कि पूरा बिल्कुल लगकर प्रीलिम्स के पीछे पड़ जाइए। पहले एक छोटी सी न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है अभी कंगना रनौत जो है यहां पर अभी ये कोर्ट में पेश हुई, तो कोर्ट में पेश होने के पहले इनके द्वारा बोला गया था कि ये इस पर्टिकुलर कोर्ट में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि ये जो कोर्ट है वो इनके खिलाफ बायस है। जावेद अख्तर जो और इनके बीच में यहां पर ये केस चल रहा है, तो यहां पर अख्तर साहब के द्वारा जो फाइल किया गया केस इनके खिलाफ ये सेक्शन 499, ठीक है, इसी के साथ में सेक्शन 500। तो सेक्शन 499 और सेक्शन 500 जो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, तो उसके तहत यहां पर इनके खिलाफ केस चल रहे हैं। तो ये है एक डिफेमेशन का केस है यहां पर बेसिकली अगर बात की जाए, ठीक है, और पनिशमेंट फॉर द डिफेमेशन, यानी कि सेक्शन 499 बात करता है डिफेमेशन, यानी कि किसी की एक तरीके से कि इज्जत पर किसी की इज्जत को एक तरीके से उछालना, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से मेरी इंसल्ट कर दी। तो जैसे किसी इंसान की इंसल्ट की जाती है तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो बोलते हैं कि उसकी मार्केट में एक इज्जत है, तो इसका मतलब ये कि उस पर्टिकुलर इंसान ने अपने आप को उस पोजिशन पर पहुंचा रखा है कि अगर उसके ऊपर कोई एक जरा सी भी बात बोलेगा तो वहां पर उसकी एक तरीके से जो रेपुटेशन है उसको नुकसान पहुंचेगा, और इवन उसकी मार्केट वैल्यू पे भी इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। तो यहां पर ये इंडियन पिनल कोड के तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके तहत केस चलाया जा रहा है। जब इनके द्वारा बोला गया कि मेरा केस जो है वो ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड में कहीं पर दूसरे उसमें कोर्ट में, तो यहां पर बेसिकली इनकी जो ये प्ली है कैंसिल कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो जज अभी आपका केस सुन रहे हैं यहां पर, ठीक है, मुंबई जो मजिस्ट्रेट के अंदर यहां पर, तो बोला गया वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, उनकी एक प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसी पैटर्न में आप लोगों को भी यहां पर देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आप लोगों को स्टिप यहां पर बताना चाहूं, हमारी कंट्री में जो इंडियन पिनल कोड है जिसको आप लोग भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, ये सबसे पहले कब आया था इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नॉर्मली इंडियन पिनल कोड हमारी कंट्री में और ये सारी चीज जो ऐसी ऐसी हरकतें की गई ये की गई जब यहां पर 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति के बाद में बेसिकली ये लगा कि अब देखिए देश में लोग ऐसे हैं कि पता चला फिर से भड़क जाएं, तो यहां पर इनको थोड़ी सांत्वना देनी पड़ेगी। तो उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग थे 1857 से लेकर 1862 तक का, बेसिकली जो यहां पर लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वॉइस राय, ये भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में याद रखिएगा, पहले वॉइस राय कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो यहां पर अब क्या हुआ, पहले तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी तो उसको तो बेसिकली लात मारकर भगाया गया, और यहां पर पावर जो दे दी गई वो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में दे दी गई, यानी कि अब क्वीन विक्टोरिया जो है वो देखेगी हमारे देश को, ये बातें यहां पर बोलेगी। यहीं से ही निकल कर आया जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, उसी में से आप लोगों को देखने को मिलेगा निकल कर आया यहां पर इंडियन पिनल कोड। स्टार्टिंग में यहां पर इंडियन पिनल कोड जो 1858 में, इसी के साथ में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया यहां पर ये 1859,
और इसी के साथ में फिर जब आगे चलेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हाई कोर्ट वगैरह भी स्टेब्लिश किए गए 1861 में। हालांकि इनमें आगे चल चलकर चेंज होते रहे वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये पैटर्न आप लोग याद रखेगा यहाँ पर जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 का, स्वतंत्रता की जो क्रांति हुई उसके बाद में, ये सारी चीजें चेंज की गई। स्लेवरी जो है एक तरीके से इलीगल डिक्लेयर की गई, वो याद रखेगा लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, यानी कि जो स्लेवरी हुआ करती थी उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। एक याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यहां पर हिस्ट्री में, ये है व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी क्या थी बेसिकली, देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चली गई तो उसके साथ में काम करने वाले जो लोग थे अंग्रेजों के, तो वो बोलने लगे यार हमारा अब यहां पर मन नहीं लग रहा है। उस टाइम पर खूब लूटा करते थे वो भी, पर लेकिन थोड़ी सी कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ सख्ताई की गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमको भी इंडिया के अंदर नहीं रहना है, हमको भी जाने दो। तो जो व्हाइट लोगों के द्वारा बेसिकली विद्रोह किया गया यहां पर जब वॉयसराय आगे उसके बाद में यहां पर, तो उनके द्वारा सोचा गया अब यहां से निकला जाए, तो तब वो यहां पर उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो बड़ी ही आसानी से उनको एक्सेप्ट कर ली गई उनकी मांग, और लॉर्ड कैनिंग ने उनको बोल दिया कि ठीक है जाओ अपनी जिंदगी को मजे लो, ठीक है कि मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। तो यहां पर लॉर्ड कैनिंग साहब थे, उन्होंने उनको जाने दिया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसा मैंने बोला था जहां भी मुझे मौका मिलेगा बीच बीच में कुछ आप लोगों का रिवीजन कराता रहूंगा, जहां हिस्ट्री पॉलिटी या कुछ भी। तो यहां पर लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने यहां पर जानी, ठीक है। इसी के साथ में ऑफिशियली जो यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट थी उसको भी यहां पर एक तरीके से खत्म कर दिया, यहां पर एंड कर दिया, जो कि किसके द्वारा लाई गई थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में बन जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट का क्या मतलब था, उसका मतलब यहां पर बेसिकली ये था कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसका कोई बच्चा नहीं है और उसने कोई बच्चा गोद ले रखा है तो उसको बेसिकली प्रॉपर उस एरिया का राजा नहीं माना जाएगा। यानी कि उन्होंने बेसिकली बेइज्जती की, जब बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते हो तुम लोग तो फिर क्या आप लोग यहां पर रूल करोगे। तो एक तरीके से काफी उल्टी सीधे तरीके से इंसल्ट की गई और यहां पर एक एक राज्य को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। तो यहां पर सबसे पहले जो यहां पर इसके कंट्रोल में आया यहां पर ये बेसिकली सतारा था। एक इंपॉर्टेंट है याद रखना, अवध जो था वहां पर सारी चीजें सही थी, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन मेल प्रैक्टिस का नाम लेकर, यहां के आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हो, ऐसा नाम लेकर उनके द्वारा उसको हटाया गया। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही ये याद रखिएगा वीडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, ठीक है। इसमें कौन थी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे जिन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया यहां पर। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कई छोटी छोटी बातें बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे और हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी, ओके। रेगुलर ये दो वीडियो हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अगर करंट अफेयर चाहते हैं आप लोगों की मुट्ठी में रहे तो ये दो वीडियो आप लोगों की मुट्ठी में होनी चाहिए, क्योंकि ये दो वीडियो कंप्लीट सारी चीजें कवर करेंगे। अगर एक बच्चा बोले सर एक वीडियो देखकर काम चल जाएगा क्या, एक वीडियो देखकर बोलूंगा ठीक है काम चल जाएगा, फिर बोलेगा सर एक वीडियो भी ज्यादा बड़ी बना रखी है उसको थोड़ा आधा छोटा कर दो उसमें काम चल जाएगा क्या। इतना आलस अगर दिखाओगे जिंदगी में तो कहां पर जाओगे। आप लोगों को लगता है कि अगर आप लोग पढ़ाई में भी इतना आलस बरतोगे, पूरे दिन में देखेगा 24 घंटे को एक बार एक पर्टिकुलर लिस्ट तैयार करके कि कहां कहां पर टाइम बर्बाद कर रहे हो। पढ़ने में अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाए आप लोगों को, कोई ज्यादा थोड़ा सा पढ़ा दे तो आप लोगों के ऊपर तलवारें चलने लगती हैं। इस तरीके से एग्जाम क्लियर करोगे क्या, आने वाले टाइम में कभी भी नहीं कर पाओगे अगर इसी पैटर्न में चलते रहे। तो थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर फोकस देने स्टार्ट करो, वरना यहीं घूमते रहोगे कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। तो थोड़ा सा सीरियस होगे, चीजों को देखो क्या रखा है, थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो, क्या जा रहा है, थोड़ा सा मर थोड़ी ना जाएगा। आज तक नहीं सुना मैंने कोई ऐसा केस अपने देश में या कहीं विदेशों में भी कि कोई इंसान पढ़ता पढ़ता मर गया हो। अगर कोई होगा तो मुझे बताना, मुझे मेल करना, यह है मेल आईडी। अगर आप लोगों को लगे कहाँ है मेल आईडी, मतलब बाद में बताऊंगा, वो आप लोगों को लास्ट वाली स्लाइड पे देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसा मिले तो बताना, ठीक है। फालतू की बातें मत किया करो, पढ़ाई पर फोकस किया करो, ओके। आइए बात करते हैं एक एक आर्टिकल के बारे में। यहां पर काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है यार, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुन के। एक एक एडिटोरियल में इतनी डिटेल है कि एक एक एडिटोरियल में कई कई सारे आर्टिकल आप लोगों के कवर करता हूं मैं, नजर आऊंगा तो बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के कवर होने वाले हैं, ठीक है। बैड बैंक क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या कंडीशन है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। कौन सी कमेटी जिसके द्वारा यहां पर ये बातें बताएगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से हर तरीके से कवर करूंगा। आरबीआई का पेपर दे रहे हैं या फिर ईपीएफओ का, हर जगह फायदा पहुंचाएगा आप लोगों को, तो काफी डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके नीचे वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये एनआरसी के प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा एनआरसी क्या है, क्या है यहां पर, फॉरेन ट्रिब्यूनल कैसे बनाया गया, क्या रीजन चल रहे हैं, अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है। आज का वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल ये भी आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में अभी ये नेशनल जो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है जिसको NIRF बोलते हैं, वो अभी तैयार किया गया। तो हमारी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम की क्या व्यवस्था है, जो इसके अंदर है बातें वो तो बताऊंगा, कई सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, सुनकर मजा आ जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में क्या बात की जा रही है, समझेंगे क्या क्या दिक्कत है उसके बारे में, वो भी उसके अंदर जानेंगे, तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। नीचे वाला आर्टिकल जो यहां पर ये मैरिटल रेप के बारे में बात कर रहा है, यानी कि अगर किसी महिला की शादी हो जाती है तो शादी के बाद
में क्या हस्बैंड को लाइसेंस मिल जाता है वो किसी भी तरीके से उस वुमेन को ट्रीट करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं मिलता है। तो उसी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। मैक्सिमम ऐसे कई सारे केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, कई सारी महिलाओं ने अपने हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया कि उसके द्वारा रेप किया गया है। यानी कि एक फिजिकल रिलेशन बनाना एक प्रॉपर एक लव मेकिंग प्रोसीजर है, पर लेकिन उसको जबरदस्ती करना तो वो रेप की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली ये माना जाता है कि एक लाइसेंस मिल जाता है अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की शादी हो रखी है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये दोनों आर्टिकल जो है ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं केरला के बारे में। केरला में भी एक टर्म काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी जिसके बारे में यहां पर फोकस किया जा रहा है। आप लोग भी जानकर यहां पर थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहां पर। एक तरीके से ये जो टर्म यूज की जा रही है जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा केरला के अंदर में, जैसे लव जिहाद आप लोगों ने सुना ना, इसी के नाम पर कई सारी उल्टी सीधी जो हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है, तो उनके यहां पर जानेंगे। एक टर्म है जो मैं आप लोगों को चल आर्टिकल के अंदर ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। इसी तरीके से मतलब एक नहीं सोसाइटी में एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इंटरेस्टिंग, काफी शानदार, काफी प्यारा ताबड़तोड़ डिस्कशन रहेगा, अच्छे से सुनिएगा, सुनकर वीडियो के एंड तक मजा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आर्टिकल यहां पर कवर करने वाला हूं ये आप लोगों के सामने आएगा बेसिकली एजुकेशन के बारे में, समझेंगे एक एक पॉइंट। तो रिपोर्ट है, अगर पूरी रिपोर्ट आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर जा सकते हैं। ये आप लोग देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की आप लोग यहां पर वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस पर अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर डाकर पूरी रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर कितने पैरामीटर और क्या क्या चीजें हैं सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। रिपोर्ट अगर जाकर खोलोगे तो पढ़िएगा, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। काफी अच्छे से किताब की तरीके से दिखाया गया है, देखना अभी। आ रहा है ना, देखकर मुझे जब मैंने इसको खोला मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा आके आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब बिल्कुल किताब की तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो सारी चीजें इसमें डिटेल में बताई गई हैं, तो आप लोग देखिएगा इसको। इसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, तो वहां से देख लेना। किसी को पढ़ना है अगर इसके बारे में, ठीक है, तो आप लोग जाकर पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें इसके अंदर दे रखी है। पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर दूंगा जिससे आप लोगों को एक मोटा मोटा ओवरव्यू लग जाएगा, ठीक है। ये सारी जो बातें यहां पर बता रखी है इसने काफी डिटेल में है। इतनी बड़ी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ेंगे, इतना एनालिसिस नहीं करना है, पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं सारी आप लोगों की कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो ये काफी प्यारी लगी मुझे जब मैंने देखा इसको, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, डाउनलोड वगैरह कर लेना या फिर आप लोग जाकर पढ़ लेना। और यहाँ पर टाइमर भी है, अगर थोड़ा सा और नीचे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर टाइमर दे रखा है, यानी कि आप लोगों को पेज भी पलटने की जरूरत नहीं है, अपना आप पेज पलटता रहेगा। ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए ऐसे बनाएंगे वेबसाइट, ठीक है, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा पर्सनली। चलिए अभी बात करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अगर पूछ ले आप लोगों से कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर तैयार करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहां पर इसको तैयार करती है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कब इसको तैयार किया गया था। सबसे पहले तो इसको बेसिकली डेवलप किया गया था 2015 में, तो यहां पर उस टाइम पर मिनिस्ट्री का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं हुआ करता था हमारे देश में, मिनिस्ट्री को किसी और नाम से पुकारते थे। वो क्या था, उसको बोलते थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह कि 11 कैटेगरी में अभी यहां पर हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है उनको डिवाइड किया गया है। तो यहां पर जो पहली ये रैंकिंग तैयार की गई थी यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिली थी 2016 में, ठीक है। तो 2016 में आई, 17 में आई, 18 में आई, 19 में आई, 20 में आई, ठीक है। अभी 21 में आई, तो 21 में कौन से नंबर की होगी, छठी होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि अभी रिसेंटली 2021 में कि जो यहां पर NIRF की जो रैंकिंग है वो कौन से नंबर की है, तो ये छठे नंबर की रैंकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जब ओरिजिनली स्टार्ट किया गया तो 4 कैटेगरी थी, 2017 में 2 और ऐड कर दिया गया इसके अंदर, फिर 6 कैटेगरी होगी। 2020 में आके इसमें डेंटल नया ऐड किया गया, तो टोटल मिलाकर 10 कैटेगरी होगी। 2021 में एक और कैटेगरी ऐड कर दी जिसको रिसर्च बोलते हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया जाता है, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लो, ओवरऑल देखेंगे, कॉलेज, डेंटल और इसी के साथ में यह है यहां पर रिसर्च। तो इस तरीके से यहां पर इनको डिवाइड किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर आज के डेट में पूछे तो 11 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है, जिसके बेस पर यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ये जो 11 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है नॉर्मल तरीके से देखा जाए। तो यहां पर अगर ओवरऑल की कैटेगरी में आप लोगों से पूछे सबसे टॉप पर कौन है, तो IIT मद्रास जो है यहां पर वो पहली रैंकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, चेन्नई के अंदर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर है दूसरे नंबर पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे तीसरे नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दिल्ली चौथे नंबर पर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर ये पांचवें नंबर पर है।
तो इस तरीके से ये सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में बेसिक आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर बात करें यहां पर अभी जो रिसेंटली जो रैंकिंग ऐड की गई है, जैसे डेंटल की ऐड की गई है और रिसर्च की ऐड की गई है अभी नई रैंकिंग यहां पर, ठीक है। तो यहां पर टॉप नंबर पर कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हो गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास चेन्नई हो गया। यहां पर कौन है, मणिपाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो मणिपाल जो है यहां पर बेसिकली मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल, तो यहां पर यह उडुपी, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। उडुपी कहां पर है पता है आप लोगों, ये छोटी छोटी बातें भी नहीं पता तो फिर देखो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, जानो इनके बारे में जो भी पॉइंट नहीं पता है इसको बताइए। चलिए आप बताइए, देखता हूं कहां पर कौन कौन बताता है, ठीक है। अगर टोटल मिलाकर मैं आप लोगों सब में टॉप टॉप कौन है अगर बताऊं, ओवरऑल में आईआईटी मद्रास हो गया, इसमें यहां पर यूनिवर्सिटी में आईएससी बेंगलोर हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट में आईएससी बेंगलोर हो गया, कॉलेज में यहां पर मिरांडा कॉलेज हो गया, इसी के साथ में इंजीनियरिंग में यहां पर आईआईटी मद्रास आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर मैनेजमेंट में बात करें तो आईआईटी जो यहां पर मैनेजमेंट अहमदाबाद देखने को मिलेगा, मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंस दिल्ली हो गया, फार्मेसी में यहां पर ये बेसिकली जामिया हमदर्द ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की हो गया, लॉ के अंदर नेशनल लॉ ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी बेंगलोर के अंदर हो गया और डेंटल में ये मणिपाल। तो हर एक कैटेगरी में टॉप इंस्टीट्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया, तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर टोटल मिलाकर कैटेगरी कितनी है, यहां पर इंस्टीट्यूशन की 11 कैटेगरी है, पर इन 11 कैटेगरी को 5 डिफरेंट पैरामीटर पर चेक किया जाता है यहां पर, यानी कि ये है पैरामीटर जहां पर देखा जाता है कि कैसी कैसी कैटेगरी यहां पर है, उसमें कहां कहां पर रखा गया है। तो टीचिंग और लर्निंग रिसोर्स के बारे में बात की जा रही है, रिसर्च और फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से ग्रेजुएशन आउटकम कैसा निकल कर आ रहा है, किस तरीके से यहां पर लोगों तक एक तरीके से आउटरीच हो रही है, एक्सक्लूसिवली कैसे चीजें, किस तरीके से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, सबको देखा जाता है, और परसेप्शन कैसा है यहां पर इस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन को लेकर, यानी कि ये वाला जो पिक्चर है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसमें अगर मैं आप लोगों यहां पर दिखाना चाहूं स्टार्टिंग में, ये वाला, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखते हैं, तो इसमें यहां पर चीजों को बताया गया है इसके बारे में कि किस तरीके से टीचिंग और लर्निंग के बारे में बात की जा रही है, तो क्या क्या चीजें यहां पर, तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ कैसी है यहां पर, फैकल्टी किस तरीके से रेशियो है, यानी कितने टीचर हैं यहां पर, पता चला टीचर ही नहीं है ढंग से, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। रिसर्च में यहां पर एक तरीके से मैट्रिक देखा जाएगा, किस तरीके से पब्लिकेशन किया जा रहा है, क्या क्या चीजें, ग्रेजुएशन में यहां पर कैसे कैसे हायर एजुकेशन हो, ये सब चीजें देखी जाएगी। इसी के साथ में आउटरीच, कम आउटरीच में बात करें तो किस तरीके से रिप्रेजेंट है, वीडियो का कैसे है यहां पर, इकोनॉमिक सोशल बैकवर्ड कम्युनिटी का कैसे है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। परसेप्शन कैसे है, पीयर टू पीयर अगर इसके बारे में पूछा जाए कैसी कैसी चीजें देखने को मिल रही है, तो ये सारी बातें आप लोगों को 5 कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा 5 कैटेगरी यहां पर अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, ठीक है। तो ये बेसिक होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बातें करूं आर्टिकल के बारे में, तो अब राइटर क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। ये सारी चीजें जाकर मत ढूंढिएगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर जो अभी मैंने अब तक आप लोगों को बताया, यानी कि ये जो चीजें मैंने सारी बताई हैं ये आप लोगों को आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारी एक्स्ट्रा चीजें अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो चीजें आप लोगों को आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी। यहां पर समझते हैं इसको, आर्टिकल के अंदर ये बोला गया कि यार अभी हम लोगों ने एक रैंकिंग प्रस्तुत की जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखिएगा तो ये 9 सितंबर को प्रस्तुत की गई यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसमें यह बोला गया कि यहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिल रही है वो ये है कि जो टॉप रैंकिंग के इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं वो सही है, वो काफी अच्छे लेवल पर है, पर लेकिन जो नीचे वाले रह गए यहां पर उनके बारे में आप लोग क्या बात करेंगे, यानी कि ऊपर वालों में और नीचे वालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अमीरी और गरीबी में आप लोगों को फर्क देखने को मिलता है। आखिर यहां पर क्यों लगा हमारे देश में भी कोई ऐसी रैंकिंग प्रस्तुत करनी चाहिए, जब बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टाइम हाई हायर एजुकेशन रैंकिंग, इसी के साथ में क्वालिकल जो जो साइमंड जो क्यूएस रैंकिंग जिसको बोलते हैं, इनमें जब हमारी रैंकिंग यहां पर निकाल कर लाए गए तो हमारी कंट्री की रैंकिंग जो है नीचे से हम लोग टॉप करते हुए नजर आए। तो बेइज्जती लगी कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे देश में, हमारी रैंकिंग होनी चाहिए ताकि चीजों को सुधार सके। तो फिर ये रैंकिंग का सिस्टम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो इसमें क्या क्या चीजें यहां पर अभी देखने को मिल रही है रैंकिंग के बारे में अगर बात करें तो काफी कुछ यहां पर फायदा रहता है। अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि टॉप 5 ये वाले कॉलेज है, टॉप 5 ये वाली यूनिवर्सिटी है, इसमें जाकर आप लोग एडमिशन ले लेना, तो यहां पर एक तरीके से वो पता चलेगा कि इनकी रैंकिंग के बेस पर, तो बच्चों को हेल्प रहती है स्कूल चूज करने में, फैकल्टी को भी हेल्प रहती है कि हाँ किसमें जाकर पढ़ाना है, कहां पर अच्छा खासा सैलरी मिलेगी और अच्छा माहौल मिलेगा। इसी के साथ में जो इंप्लॉय है दूसरे उनको फायदा रहेगा। ये सारी चीजें यहां पर पता चल जाती है जब कोई रैंकिंग तैयार की जाती है, तो उसके बेस पर चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में रिसर्च क्या हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए फंडिंग भी यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगी आप लोगों को। कैंपस के अंदर हायर करने की कंपनी कहीं कंपनी वहीं पर ही जाएंगी जहां पर उसकी रैंकिंग अच्छी है, वो बोलेंगे इन्हीं रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन में से हम लोग को अपनी कंपनी के लिए इंप्लॉय को हायर करना है, तो यहां पर काफी अच्छे लेवल पर प्लेसमेंट भी होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा।
इसी के साथ में कंपटीशन प्रमोट किया जाता है इंस्टीट्यूशन के बीच में। अगर रैंकिंग रहती है तो एक इंस्टीट्यूशन बोलता है वो मैं इससे आगे निकलूंगा, और इस तरीके से दोनों के बीच में आप लोगों को रस्साकसी होती ही नजर आएगी। अगर आगे बात करूं यहां पर पॉलिसी के बारे में, तो देखिए यहां पर गवर्नमेंट को काफी फायदा होता है। एक तो ऑटोनॉमी दे दी जाती है उन इंस्टीट्यूशन को जो लग रहा है अच्छा काम कर रहे हैं, पावर दी जाती है अपना खुद से, वो अपने बेस पर कोई ओपन या फिर डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम चला सकते हैं। इसी के साथ में ये भी उनको दिया जाता है कि वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो इस तरीके से यहां पर पॉलिसी, रैंकिंग और प्रिविलेज, ऑटोनॉमी जो दी जाती है, ये टॉप इंस्टीट्यूशन को दी जाती है, तो ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं अगर आंसर राइटिंग में आप लोगों को यूज करना है। अभी जो दिक्कत वाली बात है वो यहां से स्टार्ट होने वाली है। बोला ये जा रहा है कि अगर आप लोग रैंकिंग को यहां पर ध्यान में रखकर चले, 2020 की रैंकिंग को अगर आप लोग देखें ढंग से, तो यहां पर जो स्कोर किया गया, यहां पर जिनकी परफॉर्मेंस थी यहां पर कंट्री के अंदर अगर बात करें बेस्ट रैंकिंग में, तो 92.16% के करीब जो रिसर्च परफॉर्मेंस है वो आप लोग यहीं से निकल कर आएगी। अगर टॉप 10 के अंदर जाएंगे, 10th नंबर की अगर बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, तो ये 92 से घटकर सीधा 60% आ गया। अगर आप लोग लास्ट 50 पर जाएंगे तो ये सीधा यहां से घटकर 20% जो है यहां पर, अगर 20 या फिर 50 पर जाएंगे तो ये 50 और 28% आ गया। यानी कि अगर 100वें नंबर की आप लोग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेगा तो ये 4.35 पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना लो लेवल का यहां पर चीजें हो जाती हैं। और जब बात करें यहां पर 935 यूनिवर्सिटी है, तो यहां पर जब 935 में 935वें नंबर की यूनिवर्सिटी होगी वहां पर क्या लेवल होगा आप लोग अंदाजा लगाइए। तो बोला यह गया है कि चाहे रिसर्च के बारे में बात करें, चाहे फंड के बारे में बात करें, चाहे सैलरी के बारे में बात करें, टॉप यूनिवर्सिटी और जो बॉटम की यूनिवर्सिटी है यानी कि पहले नंबर की यूनिवर्सिटी और 935वें नंबर की यूनिवर्सिटी में इतना डिफरेंस नजर आएगा कि कोई बोल नहीं सकता कि कहीं एग्जिस्ट भी करती है क्या ये वाली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल कहानी खराब आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो उसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। एवरेज एनुअल जो एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा किया जाता है टीचर्स की सैलरी के ऊपर, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के यहां से बन सकता है। यानी कि टीचर की सैलरी के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, ये यहां पर टॉप जो 10 यूनिवर्सिटी है उसमें 391 करोड़ यानी कि 391 करोड़ यहां पर खर्च किया जाता है ओनली सैलरी के ऊपर। अगर बात करें 41 से लेकर 50 तक की रैंक के बीच में जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर 119 करोड़ खर्च किए जाते हैं। अगर आप लोग नीचे की रैंक के देखेंगे, 90 से लेकर 100 के बीच में जाएंगे, तो ओनली 79 करोड़ सैलरी पर खर्च किए जाते हैं। यानी कि यहां पर जो टीचर होगा वो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना ले रहा होगा, और यहां पर जो टीचर होगा वो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए में पढ़ा रहा होगा। तो इतना डिफरेंस आप लोग यहां पर टीचर की सैलरी में भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, या फिर जो स्टाफ की सैलरी है उसमें देखने को मिलेगा। तो ये बातें बोली गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बोली गई कि रिसर्च स्कॉलर, जहां हाई अच्छी यूनिवर्सिटी है वहां पर आप लोगों को पीएचडी करने वाले, जो रिसर्च करने वाले काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में लगभग यहां पर 2627 के करीब लोग आप लोगों को नजर आ जाएंगे जो कि रिसर्च स्कॉलर देखने को मिलेंगे। बाकी अगर 41 से लेकर 50 की रेंज में आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो यहां पर ओनली 1000 हो गए, यानी कि आधी कैटेगरी में आ गए, तो आधे पीएचडी देखने को मिलेंगे यहां पर जो उसके कंपेयर में। जब आप लोग नीचे जाएंगे बिल्कुल यहां पर बॉटम 10 में, तो वहां पर कई बोला गया कि नोट मोर देन 165 रिसर्च स्कॉलर, यानी कि वहां पर कहानी खत्म हो जाती है, कोई रिसर्च करता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखिए फंडिंग और फैकल्टी अगर आप लोग काउंट कर दो पैरामीटर भी चलते हैं, तो रैंकिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाएगा। अगर ढंग से आप लोग लेकर चलोगे तो ही चीजें यहां पर सुधरती हुई नजर आएंगी। और बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के काम की नहीं है, जो काम की चीजें हैं मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी एक इनमें क्या क्या पैरामीटर होते हैं, उसके पैरामीटर को उसके साथ में कंपेयर करके वो सारी बोल बच्चन गिरी की गई है, वो काम की नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हर तरीके से अगर बेसिक कोई भी इन्फॉर्मेशन कंफ्यूजन में हो तो अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि टॉप कुछ यूनिवर्सिटी के कोच रैंकिंग के कुछ नाम याद रख लेना जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल है ये बैड बैंक के बारे में बात कर रहा है। तो बैड बैंक मतलब गंदा बैंक, जहां पर आप लोग जाएंगे तो धूल मिट्टी जमी हुई नजर आएगी, काफी ज्यादा गंदगी नजर आएगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बैड बैंक का मतलब जो होता है, जब कोई पर्टिकुलर बैंक जो रहता है उस बैंक के अंदर में जब काफी ज्यादा एनपीए हो जाता है, एनपीए बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जब वो किसी को लोन देता है और लोन देने के बाद में वहां से पैसा वापस नहीं आए, उस पैसे को रिकवर करने का जो काम करेगा वो बैड बैंक होगा। यानी कि जिसमें से पैसा जा रहा है, जिसका पैसा डूब गया, वो बैड बैंक नहीं है। जो उसमें से रिकवर करेगा उस पैसे को जिसको दे रखा है वो बैड बैंक चलाएगा। यानी कि बैड पैसा जो हो गया उसको रिकवर करने वाला बैंक जो है वो बैड बैंक कहलाएगा।
इसके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स से बन सकता है, केवी कामत कमेटी का नाम याद रखेगा। केवी कामत कमेटी के द्वारा यह बोला गया कि कोविड 19 के चलते बहुत सारे लोगों के द्वारा रिसेंटली अभी बैंक से लोन लिए गए, पर लेकिन खस्ता हालत इतनी हो चुकी है, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे अलग अलग एरिया में काम करने वाले, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एरिया में जो भी यहां पर आज के डेट में कनेक्टेड है, वो सब लोन तो ले रहे हैं, पर लेकिन ऐसे की कोई गारंटी नहीं है कि कोविड 19 के चलते आगे आने वाले टाइम में कोई भी यहां पर पैसा रिटर्न कर पाएगा। क्योंकि जिन्होंने पहले पैसा लिया था, मान लीजिए कोविड 19 से पहले पैसा ले लिया सबने दुनिया भर का, कोविड 19 में बिजनेस बिल्कुल बर्बाद हो गया, अब वो पैसा थोड़ी ना पे कर पाएंगे। तो एक तरीके से बैड बैंक को बोला गया एस्टेब्लिश किया जाए ताकि यहां से उसको रिकवर किया जाए, वरना इकोनॉमी को काफी ज्यादा खस्ता हालत में आप लोग जाते हुए नजर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर क्वेश्चन भी है, बेसिकली बात की जा रही है कि एक तरीके से गारंटीज फॉर बैड बैंक मे हेल्प लेंडर, यानी कि जो लैंड कर रहे हैं, यानी कि जो बैंक है उनको हेल्प कर सकती है, बट नोट सफाइज, यानी कि काफी नहीं है टू फिक्स द लैंडर वो, यानी कि जो इनकी टेंशन है, जो इनकी चिंता है, जो समस्या है, उसको कम करने के लिए बैड बैंक ओनली काफी नहीं है। अब बैड बैंक काफी क्यों नहीं है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। पहले आप लोग यहां पर इसको समझिए, अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, यहां पर किसने सपोर्ट किया, यहां पर तो केवी कामत कमेटी के द्वारा बोला गया अभी रिसेंटली, और बाकी का यहां पर आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, यहां पर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके द्वारा ये बोला गया आरबीआई के द्वारा, यार अभी फिलहाल ना जो एनपी है वो लगभग 13.5% हो गया एडवांस सेप्टेंबर के महीने में, जबकि सेप्टेंबर 2020 में ये ओनली 7.5 था, यानी कि काफी बुरी दिक्कत देखने को आगे आने वाले टाइम में मिलने वाली है, तो इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए हम लोगों को। तो यहां पर एनपीए बनता कैसे, जैसे मैंने बताया कोई पर्टिकुलर पर्सन गया, कोई पर्टिकुलर कंपनी गई यहां पर बैंक के लिए लोन लेने, ठीक है, बैंक के लिए लोन लेने गई, पर लेकिन हुआ क्या, मार्केट में कंडीशन ऐसी देखने को मिली, कॉम्पिटिशन की वजह से या फिर कोई क्राइसिस की वजह से दिक्कत आ गई काफी ज्यादा, और फिर ये जो पैसा लेके गया था वो पैसा ये रिटर्न नहीं कर पाया। अगर पैसा रिटर्न नहीं कर पाया तो ये एनपी हो गया, यानी कि एक तरीके से पैसा तो पैसा, वो यहां पर इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, एक तरीके से जो लोन लेके गया है, तो इसकी वजह से दिक्कत होगी। अगर काफी अच्छा खासा कमाता, सारी चीजें सही चलती, तो इसका मतलब ये होता है कि रिटर्न भी करता, सारी चीज अच्छी होती, पर लेकिन अगर ये बर्बाद हो जाए तो फिर यहां पर बैंक के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप लोग ए पर्सन हो गए, एक बी पर्सन हो गए, एक सी पर्सन हो गए, ठीक है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा खासा पैसा है, ये बेसिकली बी ने लिया और बी ने लेके सी को दे दिया, ठीक है, पता चला सी ने वापस नहीं किया तो बी की क्या हालत होगी। तो ये बी वो बैंक है जो कि आप लोग पैसा रखते हैं बैंक में, और ये किसी कॉर्पोरेट को दे देता है, और ये कॉर्पोरेट के अंदर जो पैसा है मान लीजिए डूब गया, तो बैंक पैसा कहां से लाएगा, तो बैंक की तो खस्ता हालत हो जाएगी, तो एक लिंक खराब होता हुआ यहां पर नजर आता है। तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो टोटल मिलाकर अगर देखें, अभी रिकवर करने की बात की जा रही है 2,00,000 करोड़ वर्थ जो बैड लोन है यहां पर, जो कि एनपीए हो चुके हैं उसको, और इसके चलते गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी एक तरीके से हेल्प भी यहां पर आने वाले 5 साल में। तो यहां पर 30,000 करोड़ के करीब अभी फिलहाल बात की जा रही है कि गारंटी दी जा रही है, तो सेंटर बाय करेगा बैड लोन ताकि बैंक की खस्ता हालत को सुधारा जा सके। तो ये बातें बोली गई थी बजट में, कि बजट बोला गया था 2021-22 का, बजट वाली वीडियो मैंने बना रखी थी, आप लोगों ने देखी होगी। देखिए आप लोगों को बोलता हूं, ये सारी जो वीडियो होती है ना, खासकर इस तरीके की बजट की, इकोनॉमिक सर्वे की, ये छोटी छोटी वीडियो रहती है, पर लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ईपीएफओ में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वही आप लोगों को उस वीडियो से आ गया, 30 मिनट की वीडियो बना रखी है, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। तो छोटी सी एक वीडियो आप लोग देखने में कुछ नहीं बिगड़ रहे अगर आप लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर क्या न्यूज में और किसकी वजह से यहां पर दिक्कत में, तो बैड बैंक के बारे में समझ लिया, अभी यहां पर ये न्यूज में क्यों आ गया वो समझ लेते हैं। अभी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर एक सिस्टम तैयार किया गया है, ठीक है, जिसमें नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई गई है, ठीक है, ये मिलकर काम करेगी यहां पर बेसिकली किस तरीके से अभी बैड लोन को कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका नाम है NARNARCL, तो ये अभी बनाई गई है एक नया न्यू बैड बैंक आप लोग बोल सकते हैं तैयार की जा रही है, जिसका अनाउंसमेंट किया गया था बजट के अंदर में, ताकि रिसेंटली अभी 30,600 करोड़ के करीब जो है यहां पर बेसिकली उसको यहां पर निकाला जा सके, तो इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अभी मैंने बताया न्यू बैड बैंक जो स्ट्रक्चर है यहां पर, ये एनपीए को बेसिकली रिकवर करने का काम करेगी ताकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को सुधारा जा सके। तो यहां पर NARCL यानी कि नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी लिमिटेड है उसके बारे में अगर बात करें, ये इनकॉर्पोरेट करके बेसिकली जो बनाई गई है ये कंपनी एक्सेस को निकालकर लाया गया है। ठीक है, तो इसके चलते इसको लाइसेंस कौन देता है, तो याद रखिएगा आरबीआई लाइसेंस देता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो लाइसेंस आरबीआई देता है। तो बैड बैंक ऐसा नहीं है कि आप लोग बैड बैंक से जाकर लोन ले सकते हो, नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग यहां पर जाकर अपना पैसा जमा कर सकते हो, नहीं, इसके लिए नहीं है ये बेसिकली जो पैसा डूब गया है उस पैसे को रिकवर करने का काम करेगा। अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पैसा दिया, आप लोगों का पैसा डूब गया, आप लोगों को कोई दोस्त है जो कि बाहुबली टाइप का है, गुंडा टाइप का है, आप लोग बोलेंगे यार वहां से पैसा दिला दे मुझे तो, और यार इसका 5% तू रख लियो अगर मेरा पैसा उसने रिटर्न कर दिया, तो बोलेगा ठीक है यार मेरा क्या बिगड़ रहा है। तो इस तरीके से समझिए उसका भी फायदा होगा, तो जो बैड बैंक बनाया जा रही है कंपनी, तो इनको भी कुछ परसेंटेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, इनका फायदा होता हुआ नजर आएगा। NARCL जो है ये एक्वायर करेगी यहां पर 2,00,000 करोड़ के करीब
वेरियस कमर्शियल बैंक से डिफरेंट फेजेज में और फिर उसको आगे लेकर चलेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो रिमेन रहेंगे यहाँ पर 51% ओनरशिप इसके अंदर, इस कंपनी के अंदर, क्योंकि जो डिसीजन एंड ऑफ द डे लिया जाएगा वो पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा ही यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसके अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक जो रहेंगे 51% के ओनर रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी बात है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एक है यहां पर IDRCL, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या रहेगी यहां पर, एक तरीके से सेल करेगी जो स्ट्रेस होता है जो यहां पर, देखिए वहां से निकाल कर लेकर आएगा ये और फिर सेल करेगा ये। तो इसका मतलब NARCL और IDRCL तो दोनों का स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन बना के पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि दो कंपनी देखने को मिल रही है, ये वाली बेचने वाली हो गई और ये वाली बैंक से लेने वाली होगी, तो दोनों मिलकर यहां पर बेसिकली इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये क्या गारंटी देंगे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ये दोनों मिलकर ये बोल रही है कि जो बैड बैंक है यहां पर बेसिकली जो इनको बोला गया, सबसे पहले परचेज करेंगे यहां पर एक तरीके से बैंक से जो भी इनका एनपी हो गया ये परचेज करेंगे और उसका 15% तो तभी इनको तुरंत कैश में दे देंगे बैंक को, ताकि बैंक थोड़ा आगे लेकर चल सके। बचा हुआ जो रहेगा यहां पर 85% जो है वो सिक्योरिटी एक तरीके से रिसिप्ट के तौर पर यहां पर दिया जाएगा इनको आने वाले टाइम में। यानी कि अभी इनके पास पैसा तो होगा नहीं, तो जितना ये रिकवर करते रहेंगे उसके बेस पर चीजों को लेकर आगे चलते रहेंगे और उसी के बेस पर फिर इसको यहां पर इंप्लीमेंट करते रहेंगे। अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो वहां पर भी आप लोगों से कॉन्सेप्ट इवन इंटरव्यू भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। अभी बात करें सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में कहां पर मेंशन है, तो सरफाइसी के बारे में सुना है ना आप लोगों को, इसको बोलते हैं एस, नाम है लंबा थोड़ा सा, ठीक है, SARFAESI, मतलब क्या इसका, इसको बेसिकली बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असिस्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सरफाइस एक्ट लाया गया था 2002 में, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। तो इसमें यहां पर बेसिकली जो सिक्योरिटी रिसिप्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है, तो एक तरीके से एसेट जो रहेगा उसको सोल्ड किया जाएगा IDRCL के द्वारा और फिर कमर्शियल बैंक को जो है उनका जो भी बचा हुआ पैसा है वो पे किया जाएगा। अगर ये ऐसा करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं ये जो कंपनी बनाई गई है, तो गारंटी लेती है गवर्नमेंट आने वाले 5 साल के लिए, यहां पर कम से कम गवर्नमेंट इन चीजों को फॉलो करेगी। यानी कि बैंक को डूबने नहीं दिया जाएगा, बैंक डूब गया तो खस्ता हालत होगी, तो इसलिए यहां पर मिलकर काम करने की बात की जा रही है, एक तरीके से हेल्प करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सुनने में तो लग रहा होगा यार अच्छी चीजें इसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, फिर दिक्कत क्या है, आखिर क्या दिक्कत निकल कर आ रही है। दिक्कत यार यहाँ पर ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना, एक तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है जो ब्यूरोक्रेट है काफी इंटरफेरेंस रहता है। कल को किसानों का लोन माफ कर दो, जरा से देर में बैंक को बोल देंगे। अब बैंक डूब गया लोन माफ करते करते, तो उसकी गारंटी कौन लेगा, ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं देखने को मिलेगा, प्राइवेट बैंक के अंदर सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में की जाती है, उनको प्रॉफिट के काम करना होता है, पर लेकिन यहाँ पर ये पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम काम किया जाते हैं, ठीक है। कई बार नॉर्म्स वगैरह प्रॉपर फॉलो नहीं किया, दिक्कत देखने को मिलेगी। तो बैड बैंक इज ए गुड आइडिया, पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इसके अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और इसी के साथ में रिफॉर्म भी किया जाए अकॉर्डिंगली जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती रहे, तो इन सब चीजों पर ध्यान देकर आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कंफ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, अगर क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, ये एक छोटा सा आर्टिकल है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर सबसे पहले आप लोगों से पूछे कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार कौन करता है, तो याद रखना ये वर्ल्ड बैंक तैयार करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर माने अभी लेटेस्ट जो रैंकिंग है हमारी वो लगभग आप लोगों को 63 यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है, इस रैंकिंग को याद रखना। तब से हमारी ये पोजीशन है यहाँ पर 63 यहाँ पर, तब से यहाँ पर अभी फिलहाल पब्लिश नहीं की गई है अभी रिसेंटली अगर बात करें, इसके पीछे भी बताऊंगा क्या रीजन है। 2014 में यहाँ पर रैंक थी यहाँ पर 142 पर, लेकिन अभी 63 हो गई हमारी जो कंट्री की रैंकिंग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा। टोटल मिलाकर कितने पैरामीटर इसके अंदर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, अगर प्रीलिम्स के पेपर उठाकर आप लोगों ने देखा होगा, तो 10 पैरामीटर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। स्टार्ट बिजनेस करना क्या आसान है इस देश के अंदर में, कंस्ट्रक्शन का परमिट लेना क्या आसान है, इलेक्ट्रिसिटी का परमिट लेना क्या आसान है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना क्या आसान है, अगर कोई पैसा लेना है लोन क्रेडिट लेना क्या वो कोई आसान है, अगर कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर है क्या उसको भी देखा जाता है, टैक्स पे करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड किया जाता है, इन्फोर्समेंट कैसे होता है जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, अगर दिक्कत हो जाती है इन सब चीजों में उसको रिजोल्व कैसे किया जाता है, ये 10 पैरामीटर जिसके बेस पर देखा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को। यानी कि ये 10 पैरामीटर अगर ढंग के हैं तो कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां पर बिजनेस करना आसान होगा। इसमें अगर अभी रिसेंटली अगर आप लोग देखें यहां पर, तो कंस्ट्रक्शन परमिट के ऊपर हमारी रैंकिंग जो थी वो अच्छी खासी देखने को मिली, मतलब ठीक थी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो रैंकिंग अच्छी थी हमारी, अगर रिजोल्व के बारे में बात करें इंसॉल्वेंसी को वो भी एक अच्छी थी, पे टैक्स के बारे में बात करें अच्छा था, स्टार्टिंग बिजनेस के बारे में और ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर ये सही था। यानी कि ये 10 में से 6 जो थे एरिया काफी अच्छे हमारे देश के देखने को मिले। अब राइटर यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं,
वो घुमा फिराकर एक बातें बोल रहे हैं कि यार अगर आप लोग अपनी रैंकिंग देखिए, ठीक है, तो रैंकिंग आपकी बढ़ती जा रही है, अभी फिलहाल 63 पर आप लोग आकर बैठ गए हैं, पर लेकिन अगर आप लोग जीडीपी में देखेगा, आप लोग का यहाँ पर एक तरीके से जीडीपी है जो मैन्युफैक्चरिंग वाली है, ठीक है, इसी के साथ में ग्रोस फिक्स्ड जो आप लोग का कैपिटल फॉर्मेशन है उनमें आप लोग देखिए, नेट एफडीआई देखिए, ये सारे आप लोग के नेगेटिव में जाते जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे आप लोग के नेगेटिव में जाते जा रहे हैं, पर लेकिन आप लोग की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो बढ़ती जा रही है। तो यहां पर राइटर जो है वो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, बोला जा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो फालतू का दिखावा है, ऐसी कोई रैंकिंग नहीं है जो आप लोगों को रियलिटी में आप लोगों को इकोनॉमी के बारे में बताएगी, क्योंकि ये रैंकिंग तो आप लोग ही बढ़ रही है, ठीक है, पर लेकिन अगर रियलिटी में देखो तो रियलिटी में यहां पर कुछ आप लोगों को अलग ही नजर नजर आएगा, रैंकिंग आप लोगों की बढ़ रही है 63 पर आ गई अच्छी रैंकिंग बढ़कर, पर लेकिन बाकी जीडीपी आप लोगों की नेगेटिव में जाती जा रही है, ठीक है, एफडीआई और ये सारी चीजें नेगेटिव में जारी जा रही है, ग्रोस्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आप लोगों का नेगेटिव में जाता जा रहा है, ठीक है। ग्रोस्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई मशीन खरीद कर लेकर आ गए, अब उस मशीन का यूज कर आप लोग पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक तरीके से आप लोगों ने कैपिटल फॉर्मेशन कर लिया, तो उसमें भी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कम हुआ है। तो राइटर यहां पर सीधा सीधा ये बोले कि अगर ऐसी चीजें चलने के बाद में अगर कोई रैंकिंग आप लोग दे रहे हो और उससे यहां पर ये लड़ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे से किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना वेट डिक्रीज करना है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहां पर उसको बोला गया कि तुम्हारा वेट जो है वो घट चुका है, ठीक है, यानी घटता घटता काफी नीचे आ चुके हैं, पर लेकिन पता चला जो वेट आप लोगों ने घटा है उसके चलते उस इंसान की इम्यून सिस्टम बेकार हो चुका है, वो इंसान की बॉडी बिल्कुल वीक हो चुकी है, वो इंसान ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब रह गया उस वेट को घटाने का, वेट घटाने का मतलब होता है कि इंसान हेल्दी हो जाए, पर लेकिन आप लोगों ने उसको ऐसा कर दिया कि उसकी कहानी खत्म हो गई बिल्कुल। याद है एक हीरोइन की डेथ हो गई थी कीटो डाइट को फॉलो करते करते, मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये कवर भी किया था, कीटो डाइट बेसिकली ये वेट घटाने की डाइट होती है जिसमें काफी कम कार्ब्स कंज्यूम किए जाते हैं, उसके बेस पर इंसान को अपने आप को रखना होता है। तो अगर ऐसी कीटो डाइट का क्या फायदा जो इंसान की डेथ ले ले, तो एक डेथ कर दे, ऐसी यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या फायदा जो कोई भी ढंग की चीजें ना देखने को मिली जाए इसके अंदर, मतलब रैंकिंग तो आप लोगों की शानदार है, टॉप रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूशन भी बेसिकली रोते हुए नजर आएंगे, ग्राउंड लेवल पर जब जाकर देखोगे उनकी इकोनॉमी की खस्ता हालत आप लोगों को नजर आएगी। तो ये बेसिकली बातें बोले जा रही है, इसमें याद रखिएगा टॉप पर कौन है, 3 कंट्री न्यूजीलैंड सिंगापुर और डेनमार्क, ये टॉप पर है। हमारी कंट्री की रैंक क्यों बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि हमारी कंट्री में जीएसटी का रिफॉर्म लाया गया था, उससे काफी रैंक बढ़ी, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लाया गया उसकी वजह से काफी रैंक बढ़ी। तो यहां पर कई सारे एफडीआई के जो रूल थे उनको ईज कर दिया गया, अभी आप लोगों ने देखा ना कौन से सेक्टर में अभी एफडीआई का जो बेसिकली ईज किया गया, जिसमें 49 था पहले, अभी उसको 100 कर दिया गया, या कौन से सेक्टर अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को, याद आ रहा है किस सेक्टर की बात कर रहा हूं, ये कुछ से टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो आप लोग याद रखेगा, बाकी ये पैरामीटर मत भूलिएगा यार, क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, फिर से बन जाएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अपनी रैंकिंग याद रखेगा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रैंकिंग जो है वो तैयार की जाती है। तो ये हो गई इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, अब बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल में आप लोगों के यहां पर बेसिकली एक तरीके से कई 2-3 टॉपिक आप लोगों के कवर होते हुए नजर आएंगे, इसे बात की जा रही है। पहले तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बात करते हैं, एनआरसी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा, फिर आप लोगों को यहां पर ट्रिब्यूनल देखने को मिलेगा जो इससे रिलेटेड होता है, तो वो सारी बातें जानने को मिलेगी, इससे रिलेटेड कई सारी और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। एनआरसी को बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो यहां पर सबसे पहले हमारी कंट्री में बेसिकली ये लेकर आया गया 1951 में, और सेंसस था ये यहां पर 1951 का, जिसके बेस पर इसको तैयार किया गया ताकि अपनी कंट्री के जो सिटीजन है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी कि हमारे देश में हमारे देश के नागरिक कितने उसको देखा जा सके। क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर 2 कंट्री बन गई, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इधर, ठीक है, और हमारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इधर देखने को मिलेगा वेस्ट पाकिस्तान जिसको बाद में चलकर पाकिस्तान बना दिया 1971 की वॉर के बाद में, और ईस्ट पाकिस्तान जो कि ईस्ट साइड में था इसको यहां पर आगे चल के बांग्लादेश बना दिया 1971 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पर बहुत सारे लोग जो थे वो इंडिया के अंदर है, बहुत सारे लोग जो थे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर गए, तो उस टाइम पर कई सारे एरिया में जो पॉपुलेशन का जो बेसिकली रहने का एरिया था वो काफी ज्यादा चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आया। तो उसी के चलते यहां पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, उनमें से एक एरिया है आसाम। तो आसाम के अंदर अभी एनआरसी का जो प्रोसीजर है उसको लिस्ट को अपडेट किया गया, तो बहुत सारे लोग जो है उससे बाहर चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बेस पर ये सारे काम किए गए थे। तो ये बोला गया कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो है वो देश के अंदर आ चुके थे 1971 के बाद में, इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत लोकल एरिया पर देखने को मिल रही है। तो 2 बेसिकली एक्ट है जिनके बेस पर काम किया जा रहा है यहां पर, एक तो है यहां पर द सिटीजन जस्ट रिसेंसिप एक्ट 1955, उसी के साथ में यहां पर आसाम के अंदर बात करें तो आसाम अकॉर्ड, जिनके बेस पर यहां पर काम किया जा रहा है, तो इनको यहां से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है यहां पर 1951 का, तो 1951 के सेंसस के बेस पर यहां पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो पर्सन जो हमारी कंट्री के अंदर रह रहा है तो उसको चेक करने की कोशिश की गई किस बेस पर, तो याद रखिएगा यहां पर सेक्शन सेंसस था यहां पर जो था यहां पर 1951 का आसाम के अंदर में, तो ये देखा गया किसके वंशज यहां पर रह रहे हैं, डिसेंडेंट्स किसके यहां पर रह रहे हैं ऑलरेडी, और वो
इंसान आगे रह रहे तो वो चेक करने की कोशिश की गई। नाम क्या उनका किसी पर्टिकुलर एनआरसी में था 1951 से, क्या यहां पर जो भी हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए रिसेंटली अभी इस टाइम पर, क्या किसी भी इलेक्ट्रोल में उनका नाम था वो चेक किया जाएगा, अगर नहीं था तो फिर उनको बेसिकली बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो 24th मार्च जो है यहां पर ये याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, 24th मार्च 1971 जो है मिड नाइट यहां पर रखा गया कि इससे पहले अगर देश के अंदर है तो सही है, पर लेकिन इसके बाद में देश के अंदर कोई आ रहा है तो उसको इलीगल, जो बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट उसको समझा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया कि कोई भी पर्सन जो है यहां पर बेसिकली कुछ तो डॉक्यूमेंट रखे गए, डॉक्यूमेंट देखिए आप लोग यहां पर, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई एलआईसी वाला होना चाहिए, कोई रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट, लैंड प्रॉपर्टी टेनेंसी कोई रिकॉर्ड, इसी के साथ में सिटीजन यहां पर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कोई ऐसा, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कोर्ट का कोई रिकॉर्ड, कुछ भी ऐसा यहां पर होना चाहिए जिसके बेस पर दिखाया जा सके कि ये देश के अंदर रहता है। तो एनआरसी जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है ये बेसिकली पर्सन को देखना है यहाँ पर कि किस तरीके से लेकर चलना है। तो एनी पर्सन हु नेम अपीयर, जिसका नाम जो है वो अपीयर हुआ है उसका नाम यहाँ पर एनआरसी में 1972 में, ठीक है, इलेक्ट्रोल में यहाँ पर अगर 1971 से पहले तो उसको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट विद फॉरनर रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफिसर के तहत बात करें और नोट कंसिडर इलीगल, यानी कि इस पर्टिकुलर अगर बात करें जो हमारी कंट्री का ये पर्टिकुलर जो बेसिकली रूल है इसके तहत इनको इलीगल न करार दिया जाए तो वहां पर इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। इसी के साथ में 1 जनवरी 1966 से लेकर और यहां पर 25th मार्च 1971 से पहले या फिर 24th मार्च 1971 की मिडनाइट में यहां पर इससे पहले जो देश के अंदर आ गया है उसको अपनी कंट्री का हम लोग सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो पर्सन जो है ओनली वन डॉक्यूमेंट अगर इशू किया जाता है जो भी यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बताया इनमें से कोई भी प्रस्तुत कर देता है तो यहां पर उस पर्सन को यहां पर बेसिकली अलाउ किया जाएगा एज ए सिटीजनशिप, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें कुछ और जानते हैं, अगर आसाम के बारे में पर्टिकुलर बात करें तो आसाम में अकॉर्ड साइन किया गया यहां पर, ये आसाम जो बेसिकली ऑल इंडिया जो स्टूडेंट है बेसिकली आसाम की आसाम गणा ये यहां पर संग्राम परिषद, इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि राजीव गांधी जी के द्वारा लेट की गई थी उस टाइम पर, तो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में। तो आसाम के अंदर क्या बातें निकाल कर लाई गई, तो इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आसाम क्यों है पर्टिकुलर फोकस में, अगर आप लोग मैप यहां पर देखोगे तो बांग्लादेश के आसपास में आसाम देखने को मिलेगा, तो काफी लार्ज स्केल पर लोगों ने यहां से माइग्रेट कर यहां पर गए। तो छोटी छोटी बातें यार मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। तो बोला यहां पर ये जा रहा है कि आज की डेट में अगर बात करिए तो यहां पर ये तीन अकॉर्ड साइन किए गए, बोला 1951 से लेकर 1961 तक जो लोग आए उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, आगे जो भी सारे लोग आए यहां पर इसके बाद में 1961 से 71 तक उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा पर सिटीजनशिप दी जाएगी, और जो 1971 के बारे में आए उसको तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसके देश में, उसको देश के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये बातें देखने को मिली, पर लेकिन ये आसान नहीं था, कई सारी डिफिकल्टीज यहां पर देखने को मिली जिसके बारे में बात करेंगे। आसाम अकॉर्ड जो था यहां पर इसके चलते कई सारे लोगों की जान गई, कई सारे लोगों को बेसिकली यहां पर एक तरीके से घर से बेघर हुए, मॉब के द्वारा अटैक किया गया। तो यहां पर एक एनजीओ जिसका नाम है यहां पर आसाम पब्लिक वर्क्स, ठीक है, तो उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा गया 2009 में। तो यहां पर आइडेंटिफाई और डिपोर्ट करने की बात की गई इलीगल बांग्लादेशी को अपने देश में से, और इसी के साथ में यहां पर जो डिलीट करने की बात की गई उनका नाम वोटर लिस्ट के अंदर अगर डाल दिया गया है। तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस पहुंचा 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास किया गया इंप्लीमेंट करने के लिए, बेसिकली कंप्लीट करने के लिए कि जो एनआरसी है उसको कंप्लीट किया जाए, यहां पर अपडेट किया जाए 2017 तक का, फिर चीजें आगे चली और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सारी चीजें रही। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन इशू जो इशू ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003, तो इसके हिसाब से फिर उनको बेसिकली आइडेंटिटी वगैरह प्रोवाइड कराने की बात की गई। तो ये थी यहां पर इसके बारे में बात है, पर लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों गिर गया, ये कॉन्ट्रोवर्सी में इसलिए गिर गया क्योंकि इसको ये बोला गया ये गलत तरीके से तैयार किया गया। 31st अगस्त 2019 में 10 बजे सुबह जब कंप्लीट किया गया एनआरसी, ठीक है, 1951 का एनआरसी अपडेट किया गया, तो उसमें यहां पर ये देखने को मिलेगा एक एमएलए के जो एक विधायक साहब थे यहां पर जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनको भी यहां पर इस पर्टिकुलर लिस्ट से बाहर रख दिया गया, यानी कि उनको भी बोला गया ये इलीगल पर्सन है। तो यानी कि नेता तक यहां पर इसके अंदर इलीगल तरीके से देखे गए, तो कॉन्ट्रोवर्सी काफी ज्यादा क्रिएट हो गई। इसी के साथ में थाउजेंड्स ऑफ जो जेन्युइन इंडियन है बोला गया उनको बाहर निकाल दिया गया, बंगाली हिंदू को बाहर निकाल दिया गया, इलीगल फॉरनर को यहां पर देश के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, इसी के साथ में स्टेट के जो बंगाली ओरिजिन के मुस्लिम है उनको अलग निकालकर फेंका गया। तो ये सारी बातें देखने को मिली। जब यहां पर रीवेरिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट के लिए आगे बढ़ गया तो रिजेक्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहां पर कब तक इसको देखते रहेंगे। तो यहां पर ये चीजें तो फिर से अभी बात की जा रही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालना चाहिए, ओके, इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब कुछ बातें यहां पर फॉरनर जो ट्रिब्यूनल होता है ये डिसाइड करता है अगर यहां पर उसको बाहर निकाल दिया गया एनआरसी से तो इंसान यहां पर जाएगा वो चेक करेगा कि भाई साहब मुझे यहां पर हक मिलना चाहिए रहने का या फिर मुझे निकाला जाएगा। तो क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी वो होती है जिसमें काम तो किसी और पर्टिकुलर पर्पज के लिए है पर लेकिन जुडिशरी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहां पर चीजों को सुन पाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को अगर जुडिशरी का काम दे दे जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गए, ठीक है, तो ये क्वाजाई जुडिशियल की कैटेगरी में आ जाती है।
तो जब फाइनल फिगर यहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की तैयार की गई तो यहां पर एक तरीके से अपलेट जो ट्रिब्यूनल यहां पर होगा अगर बाहर रखा गया तो यहां पर होगा फोरनर ट्रिब्यूनल होगा, ठीक है। तो आसाम के अंदर फोरनर ट्रिब्यूनल बोला गया बेसिकली कि 19.6 जो लाख लोग हैं जिनको बाहर निकाला गया है अब वो यहां पर इसके अंदर जाएंगे क्योंकि उनको देखा जाए तो यहां पर प्रोविजन फोरनर एक्ट 1946 फोरनर ट्रिब्यूनल 1964 के हिसाब से तो ओनली फोरनर ट्रिब्यूनल इंपावर है यहां पर जो पर्सन को फोरनर डिक्लेयर करने के लिए। आसाम पुलिस जो बॉर्डर है यहां पर आसाम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वो मिलकर काम कर रही है कि फोरनर को डिटेक्ट किया जाए, ठीक है, और रेडी किया जाए कि कैसे उसको सीज करना है, ठीक है, उसको बेसिकली उसकी कंट्री में भेज कराना है। तो कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि क्यों न्यूज में आया था फोरनर ट्रिब्यूनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि डिजाइन किया गया एक्सक्लूड करने के लिए, यानी कि जो फोरनर ट्रिब्यूनल है यहां पर ये बेसिकली आसाम के अंदर लोगों को बाहर निकालने के लिए बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है यहां पर एक तरीके से वो यहां पर स्टेटलेसनेस क्रिएट करने की कोशिश यहां पर हो रही है और वो इसको देख भी नहीं रहे, तो एक गलत बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है यहां पर ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी, एस्टैब्लिश की गई थी 1961 में और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के ऊपर फोकस करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह होनी चाहिए और टॉर्चर ना करें इस बात पर फोकस देती है। 1977 में इसको नोबेल प्राइज पीस के फील्ड में मिला, ठीक है, तो एक तरीके से काफी इंपोर्टेंट ये बॉडी मानी जाती है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने बेसिकली ये कुछ मेंबर के भी बारे में याद रखे, इसके जो मेंबर होते हैं फोरनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1941 और फोरनर ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर है 1948, ठीक है, तो इसके हिसाब से देखने को मिलेगा रिटायर्ड जज होना चाहिए और ये बेसिकली रिटायर्ड जो जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए यहां पर आसाम जुडिशियल सर्विस का या रिटायरमेंट जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट कोई हो सकता है सेक्रेटरी या जो जुडिशियल एक्सपीरियंस वाला एडिशनल कोई सेक्रेटरी, इसी के साथ में 35 से ईयर उसकी एज नहीं होनी चाहिए नीचे और आसामीज बंगाली और बोडो लैंग्वेज या फिर इंग्लिश वो जानता हूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की। तो क्या क्या देखा, एनआरसी क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में, कब से कब तक क्या क्या कट ऑफ डेट है वो समझना, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या यहां पर अब तक मुद्दे हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे अगर बात करें हम लोगों ने यहां पर क्या बजाना बेसिकली कि क्या क्या चीजें यहां पर, इसी के साथ में फोरनर ट्रिब्यूनल के बारे में जान लिया और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं सारी एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, तो ये है इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अब, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, अब यहां पर आगे चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बेसिकली ये आप लोगों से बातें करेगा कि मैरिटल रेप के बारे में। अभी यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे हाई कोर्ट हैं जिसमें अभी रिसेंटली डिसीजन आ रहे हैं मैरिटल रेप को लेकर कि यानी कि जो शादीशुदा वैवाहिक जो जिंदगी होती है उसमें अगर जोर जबरदस्ती की जाती है तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में डाला जाए। ऐसी कई सारी महिला सामने निकल कर आई और उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया कि हस्बैंड जो है उनके साथ में जबरदस्ती कर रहा है और मार पीटा देखने को मिल रही है घर के अंदर। तो उसके चलते यहां पर याद रखिएगा केरला हाईकोर्ट के अंदर अभी एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में क्या क्या मुद्दे हैं। अगर बात करें हमारी ही देश की बात नहीं ओनली, अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर जाएंगे तो यूएन पॉपुलेशन फंड के द्वारा भी बोला गया कि 15 से लेके 49 की एज के बीच में अगर आप लोग जाएंगे महिला को फोर्स किया जाता है, उनको पीटा जाता है फोर्सफुली, उनको बेसिकली फिजिकल एक तरीके से रिलेशन बनाने के लिए फोर्स किया जाता है और ये मैक्सिमम आप लोगों को सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन जो होती है इकोनॉमी उसमें बेसिकली वुमेन की, अगर कोई ऐसी महिला है जो ऑलरेडी जॉब कर रही है, ठीक है, तो फिर ऐसी हरकतें आप लोगों को हस्बैंड जो है काफी कम करता हुआ नजर आएगा, फिर ना के बराबर आप लोगों की हरकतें होती नजर आएगी। पर लेकिन अगर कोई ऐसी है कि जो होम मेकर है घर देखने वाली है उसमें क्या रहता है खुद कमा कर आएगा बाहर से फिर आकर एक तरीके से उसके ऊपर एक तरीके रोज झाड़ेगा, तो ये बेस्ट फ्रीक्वेंटली चीजें देखने को मिलती है ऐसा रिपोर्ट के अंदर बोला गया। हर 5 में से एक जो है वो फोर्स करता है वाइफ को पार्टनर को फिजिकली एक तरीके से फिजिकल होने के लिए जबकि चाहे सामने वाले का मन भी ना हो। ये कौन बोल रहा है, ये रिपोर्ट तैयार की गई थी इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे के द्वारा, बकायदा एक रिपोर्ट आई है निकलकर जो कि रिसर्च किया गया उसके द्वारा डेटा निकाला गया ये, ठीक है। 104 कंट्री ऐसी है क्रॉस द वर्ल्ड जहां पर एक तरीके से मैरिटल रेप को क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया है, पर लेकिन इंडिया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान और चाइना ये वो कंट्री है जहां पर ऐसा नहीं है और यहां पर आप लोगों को महिला की हालत जो है वो काफी खस्ता होती हुई आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, तो इसी के ऊपर काम करने की बात यहां पर बेसिकली की जा रही है। अभी मेन दिक्कत क्या हुई अगर मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूं तो ये थोड़ा सा जानकर आप लोग सरप्राइज होंगे, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के अंदर जब यहां पर केस गया तो एक महिला ने अपने हस्बैंड के खिलाफ बात बोली यहां पर, तो उसने बोला कि मुझे मारा है जबरदस्ती, मेरे साथ में फिजिकल हुआ है, मेरे साथ में बहुत क्रुएल्टी दिखाई है, तो उसने सारे केस दर्ज कर लिए। यानी कि एक तो था 376 है जो यहां पर इसके तहत रेप हो गया, 377 के तहत यहां पर एक तरीके से इंटरकोर्स किया गया जबरदस्ती अगेंस्ट द नेचर, ठीक है, इसी के साथ में 498 के तहत यहां पर क्रुएल्टी दिखाई गई, हस्बैंड ने बेसिकली वाइफ को पीटा, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत। तो जब यहां पर केस देखा गया अगर यहां पर ये हस्बैंड ना होता कोई और होता
तो यहां पर सेक्शन 370 का जो है 376 वाला अभी पैनल लग जाता, पर लेकिन क्योंकि वो हस्बैंड था तो यहां पर कोर्ट ने इसको मना कर दिया और बोला कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंट्री में कोई ऐसा रूल नहीं है। तो यानी कि पार्लियामेंट के हाथ में ये बेसिकली बात जानी चाहिए, पार्लियामेंट प्रोवाइड कराएगा। तो यहां पर वो केस तो अलाउ कर दिए जो नॉर्मल केस लग सकते थे हस्बैंड के ऊपर, पर लेकिन रेप वाला केस जो था वो कैंसिल कर दिया। यहां पर प्रोवाइड किया जाता है कि अगर सी अगर वाइफ जो है वो 18 साल से अगर ऊपर नीचे की है तो यहां पर रेप की कैटेगरी में उसको माना जाता है, पर लेकिन 18 साल से ऊपर की हो चुकी है तो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। तो बोला क्या जाता है कि यार इस तरीके से अगर आप लोग लेकर चले तो राइट टू लाइफ आता है आर्टिकल 21 के तहत, तो इंसान की राइट टू लाइफ आप लोग खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो सेक्शन है आप लोगों का 375 जो हो गया इंडियन पिनल कोड का, ये तो ये बेसिकली आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हैं यहां पर, जो महिलाओं को हक नहीं दे रहा है। क्वेश्चन बन जाएगा जरा सी देर में एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, इसी के साथ में राइट टू इक्वलिटी का भी हनन करें। राइट टू इक्वलिटी के बारे में अगर आप लोग बात करिएगा, कोई पर्टिकुलर एक ऐसी औरत है, औरत नहीं सॉरी, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर उसके साथ में कुछ इस तरीके से कोई गलत इस तरीके की हरकत देखने को मिलती है तो सारे रूल और रेगुलेशन आप लोग उसके लिए अवेलेबल करा दे रहे हैं, पर लेकिन अगर सेम चीज अगर किसी मैरिड वुमेन के साथ में हो रही है तो आप लोग उनको हक ही नहीं दे रहे हैं। तो एक तरीके से इसका मतलब तो आप लोग ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट की महिलाओं को कि शादी नहीं करनी चाहिए लड़कियों को, कि शादी के बाद में तो जबरदस्ती होनी स्टार्ट हो जाती है हर तरीके से, तो ये कितना सही है। तो मैरिटल रेप वाली कैटेगरी जो है इसको इंक्लूड करके चलना चाहिए। इवन हमारी कंट्री में भी अगर बात करेंगे, जस्टिस वर्मा रिपोर्ट आई थी 2012 में, उन्होंने भी बोला कि इसको अलाउ करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में इनके द्वारा बोला गया कि यहां पर ये होना चाहिए। यूएन की जो कमिटी ऑन एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इनके द्वारा बोला यहां पर ये सारी चीजें होनी चाहिए, पर लेकिन हमारी कंट्री में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। कई सारे रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि इलिटरेसी काफी ज्यादा है, इसका मिसयूज किया जा सकता है, कई सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें मिसयूज किया जा सकता है, तो उसके लिए किस तरीके से एक पैटर्न में लाकर चीजें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी होंगी, तब जाकर चीजें सामने आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एक जो आर्टिकल है यहां पर इसके बारे में बता देता हूं, अभी एक काफी ज्यादा न्यूज में थी, नारकोटिक जिहाद बोला गया। नारकोटिक जिहाद एक शब्द यूज किया गया बेसिकली यहां पर अभी केरला के अंदर में, जो केरला के अंदर जो बेसिकली यहां पर चर्च के अंदर जो पुजारी रहते हैं उनके द्वारा, तो यहां पर जब ये शब्द यूज किया गया नारकोटिक जिहाद तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, तो इसके चलते केरला के अंदर अशांति फैलती यहां पर नजर आई। तो केरला जो है साउथ इंडिया में राज्य जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु को टच करते हैं, तो बोला यहां पर ये गया जैसे लव जिहाद का वर्ड यूज किया था कि कोई मुस्लिम लड़का जो है वो हिंदू लड़की से शादी करते हैं और शादी के नाम पर फिर उसको मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट करा लेता है उसका रिलीजन, तो इसको लव जिहाद की कैटेगरी में रखा गया। पर लेकिन जब यहां पर नारकोटिक जिहाद की बात करते हैं तो ये बोला गया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के हैं वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के को क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली नशे की लत लगवा रहे हैं, ये बातें यहां पर बोली गई। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट हो गई कि रिलीजन के बीच में एनिमिटी क्रिएट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ऐसी कई सारी बातें देखने को मिली। केरला में जहां पर ऑलरेडी नीफा वायरस है, केरला में जहां पर ऑलरेडी कोरोना वायरस है, केरला में जहां पर ऑलरेडी रिसेंटली अभी बाढ़ आ चुकी है 2 बार, केरला में जहां पर लैंडस्लाइड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, केरला जो ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से नेचुरल डिजास्टर से जूझ रहा है, उसी केरला के अंदर अगर सोसाइटी को इस तरीके से देखा जाएगा तो और भी आग लग जाएगी, ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है। तो कम से कम इन मुद्दों से हम लोग को डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए, ये बातें यहां पर बोली गई इसके अंदर में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रखते हैं, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें बोली गई है। अब यहां पर जो बातें करूंगा ये प्रीलिम्स के फैक्ट के बारे में बातें करेंगे। अभी बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री से कई सारी कंट्री में एक्सपोर्ट करने वाले हैं मेडिसिन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो ठीक है एक्सपोर्ट करेंगे, तो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो वो सारी चीजें कि आसपास वाले देश जो देश है उनको दवाई प्रोवाइड कराने के लिए हमारी कंट्री में वैक्सीन प्रोग्राम जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें बांग्लादेश, मोरक्को, यूके, नाइजीरिया, ब्राजील बहुत सारी कंट्री को हम लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड कराई। तो हम लोगों ने बंद कर दिया था जब हमारी कंट्री में काफी ज्यादा केसेस आने स्टार्ट हुए, फिर से उसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर क्या है बेसिकली याद रखिएगा, इंटरपोल के बारे में बात की जा रही है। इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन पेंजिया चलाया गया था, इसको ऑपरेशन पेंजिया 14 बोला गया, जिसमें क्या किया गया बेसिकली कि जो भी इलीगल तरीके से जो दवाइयां बेची जा रही है, ठीक है, ऑनलाइन खरीदी जा रही है वेबसाइट पर, जो नकली फेक दवाइयां हैं तो उसको चेक करने की इसके द्वारा बात की गई। तो ऑपरेशन पेंजिया किसका है, इंटरपोल का है, यहां पर 2008 में चीजें स्टार्ट की गई थी। ठीक है, एक इसी तरीके से ऑपरेशन थंडर के बारे में याद रखेगा, यह 2020 में देखने को मिला, 113 कंट्री के अंदर चीजें सामने निकल कर आई कि $20 बिलियन का पर ईयर यहां पर व्यापार होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, वो वाइल्ड लाइफ जिनको बोलते हैं CITES यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड लाइफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना। समझ में नहीं आया, समझाता हूं। जो भी पेड़ पौधे और फूल पत्तियां होती हैं या फिर जीव जंतु होते हैं उनको इलीगल तरीके से उनका व्यापार किया जाए, जबकि ये पर्टिकुलर कन्वेंशन के तहत बोला गया इनका व्यापार नहीं होना है,
तो इलीगल अगर व्यापार हो रहा है तो थंडर यहां पर ऑपरेशन लाया गया इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए कि इन्वायरमेंटल क्राइम को देखा जाए। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ऑपरेशन थंडर और ऑपरेशन पेंजिया अगर कोई डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। अभी नए जो चीफ मिनिस्टर यहां पर आ गए हैं इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बन गए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इनका नाम है बेसिकली चिरंजीत सिंह चैनी, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अभी फिलहाल जो है नवजोत सिंह सिद्धू और यहां पर जो अमरेंद्र सिंह थे उनके बीच में काफी रस्साकसी देखने को मिल रही थी, तो इनको यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है काफी लार्ज स्केल पर। कोई नहीं पूछने वाला है, क्वेश्चन बनेगा यहां से आर्टिकल 163, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 167 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। गवर्नर होता है हर एक राज्य के अंदर, तो उसको एडवाइस देने के लिए चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, आर्टिकल 163 बोलता है। आर्टिकल 164 बोलता है गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा चीफ मिनिस्टर की, जब कोई चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट हो जाएगा उसके बाद में उसको हेल्प करने के लिए यहां पर बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी और ये मिलकर यहां पर गवर्नर को एडवाइस करेंगे। तीसरे आर्टिकल में यहां पर ये बोला गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होंगे यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, तो यहां पर तो क्या करेगा चीफ मिनिस्टर जाकर उनको गवर्नर को बताएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि सारे काम गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, अभी तमिलनाडु के अंदर बोला गया कि नो फी फॉर स्टूडेंट अंडर 7.5% कोटा जिनको मिलता है उसके लिए कोई फी नहीं रहेगी। तो इसके चलते 250 करोड़ रुपए की स्कीम लाई जा रही है तमिलनाडु के अंदर, जिसके तहत बोला गया 12,000 के करीब जो स्टूडेंट है उनको फायदा होने वाला है। तो एजुकेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। एजुकेशन जो होता है वो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आप लोगों को कंटेंट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, सेवन शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट और कॉन्केंट लिस्ट। कॉन्केंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों लोग बना सकते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो इसके चलते यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, पहले स्टेट लिस्ट में था यहां पर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तो उसको कॉन्केंट लिस्ट में डाल दिया इंदिरा गांधी जी के द्वारा ताकि वो भी लॉ बना सके, ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार अगर ऐसी चीजें निकल कर आती है तो क्वेश्चन बन जाता है, IRCTC के बारे में बात की जा रही है, इसके अंदर बग्स पाया गया वेबसाइट के अंदर और ये एक पर्टिकुलर बंदे के द्वारा यहां पर खोजा गया, ठीक है। तो IRCTC क्या है यहां पर, ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म जो कॉरपोरेशन है जिसके ऊपर आप लोग नॉर्मली रिजर्वेशन भी करते हैं, तो उसके अंदर जो गलती पाएगी उसको निहारा गया, उसको निकाला गया, तो आगे हो सकता है इसके अंदर अब चीजें अपडेट देखने को मिले, तो अच्छी बात देखने को मिल रही है अगर गलती पता चल जाती है। अभी बारिश के बारे में अगर बात करें, काफी ह्यूज लेवल की बारिश अभी आप लोगों को देखने को मिली, बेसिकली अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर तो 3% नेगेटिव रह गया बस, अभी वो सारी भरपाई कर दी है सितंबर में, इतनी बारिश हो गई। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये IMD बोल रहे हैं। IMD कौन है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD, जो कि 1875 में बनाया गया था, काफी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी और मीटरोलॉजिकल ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है यहां पर, ठीक है। तो IMD का हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली के अंदर में है, एंड इंडिया और अंटार्कटिका के आसपास वाले रीजन में अपनी डिटेल प्रोवाइड कराते हुए नजर आते हैं, यानी कि इंडिया के लिए ओनली काम नहीं करता है ये, भारत के लिए भी काम करता है। रीजन क्या है, क्योंकि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, उसके 6 रीजनल जो ऑफिस है उसमें से एक ये भी है, तो मलक्का स्टेट हो गया या अरेबियन सी हो गया पर्शियन गल्फ, तो वहां तक का ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ओके। आगे बात करते हैं, बंगाल के अंदर जो दंगे हुए थे इलेक्शन से पहले उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर इसको सुना जाएगा केस को सितंबर 28 को, तो ये बात यहां पर की जा रही है। हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर किया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को केस, तो इसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगी आगे आने वाले टाइम में। 0 सीज फायर वॉयलेशन देखने को मिल रहा है LOC में, ये बोला गया है आर्मी के द्वारा, तो अच्छी बात देखने को मिल रही है। LOC के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोग इसको बोलते हैं, दोनों में कंफ्यूज मत होना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और बेसिकली पाकिस्तान के बीच में। तो लगभग यहां पर ये 776 किलोमीटर की ये लाइन देखने को मिलेगी जो कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नजर आएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो पार्ट है बेसिकली आप लोग यहां पर देखिए सदर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है LOC का, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये लगभग 45% जो एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा तो इंडियन पार्ट में है, ठीक है। तो यहां पर ये इसके चलते ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर एक गर्ल का रेप किया गया और फिर जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, ये यहां पर काफी बुरी दुर्घटना यहां पर देखने को मिली बेसिकली मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये वही मुजफ्फरनगर है जहां पर 2013 में दंगे हुए थे यहां पर इन्हीं सब इशू को लेकर और 2014 में इलेक्शन भी थे, तो वो सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो ये ऐसी हरकतें काफी एक घटना हरकत बोल सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में बैन है वॉच करना एक तरीके से,
यहां पर बेसिकली पोर्न जो होती है पोर्नोग्राफी होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो 2002 का जो रूल है पनिशेबल ऑफेंस बताता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले कंटेंट को। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, जो कुंद्रा पकड़ा गया था ना अभी उसी के रिलेटेड आप लोगों ने चीजें देखी, तो वो भी यहीं से कनेक्ट होकर आती है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, पीएम और बाइडन जो है वो बायलेटरल टॉक कर रहे हैं क्वाड को लेकर। ठीक है, तो क्वाड को लेकर पहले बायलेटरल बातें कर रहे हैं आपस में, उसके बाद में फिर यहां पर इनकी मीटिंग आगे होगी। तो क्वाड जो है ये ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर बेसिकली चार मेंबर का ग्रुप आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान नजर आते हैं। इनके द्वारा मिलकर भी काम करने की बात की गई थी क्वाड के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन में। इसी के साथ में बोला गया था कि हम लोग बेसिकली काम करेंगे चाइना को टैकल करने के लिए, तो काम करेंगे ही करेंगे। इनके द्वारा मिलकर काम करने की बात की गई थी वैक्सीन एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, क्रिटिकल जो इमरजेंसी टेक्नोलॉजी वर्किंग के लिए, और क्लाइमेट जो वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया। तो क्वाड में ये इनिशिएटिव निकल कर आए थे यहां पर इनके द्वारा। तो ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाने की भी बात यहां पर कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे छोटे, तो याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एन का नाम है यहां पर एस वी सारावती, ठीक है, तो सारस्वती। ठीक है, तो यहां पर रिसेंटली इनको प्रेसिडेंट ओनर दिया गया यहां पर। तो यहां पर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंदर इनके द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, जिनके चलते यहां पर इनको अभी ये ओनर दिया गया है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेस्टर्न घाट के बारे में बात की जा रही है। तो फ्लोरा जो है यहां पर, फ्लोरा होता है पेड़ पौधे फूल पत्तियां, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर एक स्टडी की गई यहां पर बोटनी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसे बोला गया 220 के करीब यहां पर स्पीशीज डिस्कवर की गई है 2020 में वेस्टर्न घाट के अंदर। तो वेस्टर्न घाट आप लोगों को अगर पूछ लूं क्वेश्चन, चलिए आप लोगों से पूछता हूं, ये प्रीलिम्स में यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि वेस्टर्न घाट किस किस राज्य में फैला हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। ये पहले कई बार बता चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, तो बताइए इसके बारे में। तो यहां पर बेसिकली स्टडी किसके द्वारा की गई है, बोटनी, जो एक बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्टडी की गई है। इसके द्वारा बोला गया कि बेसिकली वर्गीकरण करते हैं फूलों का अध्ययन किया जाता है इनके द्वारा। 13 फरवरी 1890 में इसको बनाया गया था, 1819 के अंदर में। इसी के साथ में सर जॉर्ज किंग जो थे रॉयल बंगाल जो रॉयल बोटनी जो गार्डन है उसके, ये फर्स्ट इसके एक्स ऑफिसियो ऑनरी डायरेक्टर बनाए गए थे। 1954 में फिर देश आजाद हुआ, तो यहां पर ये बेसिकली बॉडी आई। और यहां पर आज के लिए बात करें तो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, कई सारे प्राइमरी फंक्शन है यहां पर ये डेटा प्रस्तुत करने का भी, और आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेटन जो लिस्टेड जो स्पीशीज हैं ताकि उनको बचाया जा सके। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन, देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया ताकि आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकें। सबसे पहले मैंने हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों को बताया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, पूरा ओवरव्यू दिया लेक्चर का, तो ये देखने को मिला। इसी के साथ में हम लोगों ने एनआरसी के बारे में कई सारी बातें जानी, ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने बेसिकली जो बात की यहां पर कई सारी और चीजें जानी हम लोगों ने, बेसिकली फॉरेन ट्रिब्यूनल के बारे में जाना, और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग बातें करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों ने बात की बेसिकली बैड लोन के बारे में बात की, क्या क्या है चीजें, बैड बैंक क्या है, वो सारी चीजें समझी। इसी के साथ में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की किसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट था, नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोगों ने बेसिकली यहां पर बात की। तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, ये रैंकिंग के बारे में, कहां कहां पर कौन सी रैंकिंग है और वेबसाइट के बारे में जो बोला है वो जाकर जरूर देखना, आप लोगों को समझ में आएगी चीजें और अच्छे से। ठीक है, लिंक टेलीग्राम पर उसका प्रोवाइड करा दूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में काफी कुछ हम लोगों को यहां पर जानने को मिला, तो इंपॉर्टेंट था, याद रखना। देखिए यार, फीडबैक देकर जरूर जाया करो, ठीक है, बिना फीडबैक के आप लोग चले जाते हो, कम से कम बताया तो करो कि लेक्चर कैसा लगा है। बाकी मैरिटल रेप के बारे में हम लोग कई सारी चीजें जानने को मिली, और जो फंडामेंटल राइट के बारे में बातें करी वो भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में हम लोगों ने बेसिकली नारकोटिक जिहाद के बारे में केरला के अंदर बातें की। नेक्स्ट हम लोगों ने कोविड-19 के बारे में बातें की, तो इंटरपोल का बेसिकली ऑपरेशन था उसके बारे में बातें की। पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के बारे में देखा, तो ये आर्टिकल थे। IRCTC और इसके बारे में बात की तमिलनाडु के अंदर। इसी के साथ में यहां पर बारिश के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की, यहां पर जो बेसिकली ये केस के बारे में बात की बंगाल के अंदर। इसी के साथ में जीरो सीज फायर LOC के बारे में हम लोगों ने बात की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की बेसिकली जो अभी रेप से रिलेटेड जो वीडियोस के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर बात की क्वाड के बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन कहां कहां पर किसके रिलेटेड है। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छोटी सी थी यहां पर, ये भी जानी हम लोगों ने, बी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना। वीडियो बेसिकली इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी।